नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फॉर एवर गोल्ड चैनल में आपका स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स मैं बेस ट्यूब बनाने जा रहा हूँ, मतलब एक नॉर्मल टाइप का ही बेस ट्यूब बनाने जा रहा हूँ। तो उसी के बारे में आप लोग को बता रहा था, क्योंकि मेरे घर पे थोड़ा सामान पड़ा हुआ था, तो मैं उसी का बेस ट्यूब बनाने जा रहा हूँ। देखिए कि तो ये एक मतलब ये थोड़ा जो अपना फ्लेक्सिबल प्लाई रहती है वो है, ठीक है फ्रेंड्स। ये करीब 6 mm के करीब मोटी है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए तो दो राउंड है, ये इस टाइप के, एक पीछे के लिए राउंड है। ये मतलब जैसे अपन स्पीकर बॉक्स बनाते हैं तो उसके राउंड कट कट के निकल जाते हैं, अपन स्पीकर की कटिंग करते हैं तो ये राउंड निकल जाते हैं, तो उसी के मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक ये देखिए कि राउंड अपन ने ये काट के रख लिया मैंने, ये इसका काटा हुआ है ये वाले का। तो इसमें फ्रेंड्स स्पीकर अपना फिट हो जाएगा, सब वूफर जो भी है। और इसमें पीछे अपन एक कटिंग करके और पाइप फिट कर देंगे एयर पास के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं थोड़ा इसको बनाता हूँ, फिर आपको बना के बताता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर दी बेस ट्यूब की, ठीक है। तो ये इस टाइप से मैंने स्क्रू से फिटिंग करी है, देखिए आपको इधर से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इस टाइप से बन गया। अंदर मैंने थोड़ी सी जॉइंट भी लगा दी है और ऐसे करा है। अब इसमें पीछे फ्रेंड्स अपन ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला यहाँ पे एक एयर पास के लिए अपन होल बना देंगे और पाइप लगा देंगे और नीचे स्पीकर कनेक्टर लगा देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं साइज़ भी बता देता हूँ आपको। इसका साइज़ मैंने वही लिया है जो JBL का बेस ट्यूब का आता है, ये देखिए 26 इंच है। और ये ऐसे में 13 इंच है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसका अपन खर्चा अगर यूँ जोड़े तो देखा जाए तो ये 500 रुपये में बन के तैयार हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस पर खाली कारपेट लगाना बाकी है, जो कि 100 रुपये 150 रुपये मीटर आता है कारपेट, और अपना 50 रुपये का फेविकोल लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो और इसको थोड़ा सा और हार्ड बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, अंदर से मैं थोड़ा सा इसमें एक मतलब थोड़ी सी पुट्टी और फेविकोल का वो लगा दूंगा, घोल लगा दूंगा, तो उससे थोड़ा सा हार्डनेस आ जाएगी इस पर, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी तो ये सॉलिड बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस पर कारपेटिंग वगैरह करता हूँ, थोड़ा सा और कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पर कारपेट लगा दिया है, देखिए अभी ये लुक आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद पीछे से देख लीजिए इस टाइप का लुक आ गया है, ये देखिए। ये फ्रेंड्स मेरे पास ब्लू कलर का एक पाइप रखा हुआ था, वही मैंने मतलब जो होल बनाया था एयर निकलने के लिए उस पर लगा दिया। और ये फ्रेंड्स देख लीजिए इस टाइप से मैंने वही डिज़ाइन बना दी है राउंड वाली। आपको अगर ये डिज़ाइन बनाना सीखना है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर ये वीडियो है, देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये करीब मैंने 9 इंच करीब का पाइप लगाया है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स आगे से देख लीजिए, आगे से इस टाइप से लुक आ गया है, ये देखिए। अंदर फ्रेंड्स मैंने ये पुट्टी और फेविकॉल का घोल बना के पोत दिया है, तो उससे थोड़ा सा और ठोस हो गया ये, ठीक है फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स मैं एक बार और बता देता हूँ कि आपको ये 500 रुपये के अंदर कैसे पड़ेगा। आपको फ्रेंड्स फ्लेक्सिबल प्लाई लेके आनी है 6 mm की करीब। वो आपको जैसे कि आप 12 इंच का बेस ट्यूब बनाने जा रहे हैं तो आपको 40 इंच की प्लाई लेनी है, जिससे कि आप राउंड बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये लंबाई में आप जैसे मैंने 26 इंच की रखी है बेस ट्यूब, या आप 2 फीट की रख रहे हैं तो उस टाइप से प्लाई ले लीजिएगा। और उसके बाद इस टाइप की गोल, ये जैसे जो स्पीकर बॉक्स बनाते हैं उन लोग क्या मिल जाएगा इस टाइप के गोल वाले कट्टे कटाए, उन लोग से ले लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक आपको इस साइड लगाना है आगे, एक पीछे लगाना है। और फ्रेंड्स उस पर स्क्रू कस कस के आपको फिट करना है, बाकी फिर स्पीकर आप किस साइज़ का उसके हिसाब से फिर राउंड कटिंग कर लीजिएगा आप। ड्रिल मशीन से या किसी से भी कटिंग हो सकती है, हेक्सा ब्लेड से भी कटिंग हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका इस टाइप से बेस ट्यूब इजीली घर पे बन सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स अपन इसको टेस्टिंग करते हैं, मैं इसमें एक सबवूफर लगाता हूँ JBL का ही, फिर टेस्टिंग करके बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें JBL का सबवूफर फिट कर लिया है, यही 1200 वाट वाला, ठीक है फ्रेंड्स। अपन इसको टेस्ट करते हैं, नॉर्मल साउंड में ही चेक करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि पड़ोसी परेशान होते हैं घर पे अपन चेक करते हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो
और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, अब मतलब इसको अपन कार में लगा के मोनो एम्पलीफायर से या हैवी एम्पलीफायर से चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेस आएगा इसका। और फ्रेंड्स ये मतलब बॉक्स भी अच्छा काफ़ी सॉलिड बना है। ठीक है फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।